निचलौल रेंज क्षेत्र में काटी जा रही अवैध जंगली लकड़ियां, साठ गाठ से जंगल से बाहर आ जाता है जंगली इमारती लकड़ी। आपको बता दें कि मरायन जनपद का निचलौल जनपद के धनी वन क्षेत्र है, लिहाजा इस क्षेत्र में जंगली इमारती लकड़ियों को तस्करी होती रहती है। सूत्रों की माने तो इस कार्यों में यहाँ रखवाली करने वाले वन दरोगा को मिली भगत से और तस्करों से खासा साठ गाठ बना रहता है, जिससे थोड़े से लकड़ियों की परमिट दिखाकर और भी लकड़ियां जंगल से बाहर ब्लैक में भेजी जा रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि टाली पर कुछ लकड़ियां के बोटे लदे हुए हैं, कुछ बोटे पर नंबर लिखे है, लेकिन कुछ बोटे ऐसे ही रखे हैं। इस पर जब लकड़ी के ले जाने वाले लोगों से पूछा गया तो बोले, भैया हम इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वहीं जब लोगों ने वन दरोगा राम प्रसाद से पूछा तो वह कुछ स्पष्ट बोल नहीं पाए, और तो और वन दरोगा घबराते हुए बोले कि प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, मेरे बारे में डीएम से पूछ लीजिए। अब बड़ा सवाल यह है कि जंगली ईंधन और जंगली कीमती लकड़ियों की रखवाली कैसे होगी। ऐसे लोग थोड़े से चढ़ावा के लालच में तेजी से पेड़ों की कटान तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे होने वाले नुकसान शायद अभी भी अनभिज्ञ है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।